आज की इस वीडियो में मैं रैंक करने वाला हूँ बैटरीजन के सारे एलियंस को, और इस वीडियो में मैंने इन चार सीरीज को इंक्लूड किया जिसमें टोटल 62 एलियन थे जिनको आज मैं रैंक करने वाला हूँ। और एक छोटा डिस्क्लेमर कि इस वीडियो में मैंने जितने भी एलियंस को रैंक किया ये सारे मेरे ओपिनियन पे बेस्ड है, मतलब ऐसा कहीं भी ऑफिशियली नहीं बताया गया। और इस वीडियो मैंने रिबूट को इंक्लूड नहीं किया है और उसके साथ मैंने यॉन को भी इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो एक टेम्पररी एलियन था। तो अब जल्दी से अपने इस ऑसम से वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 62 वोल्कट्रॉन। ये एलियन लास्ट पोजीशन इसलिए डिजर्व करता है क्योंकि ये किसी काम का नहीं है, बस ये अपने दुश्मन के हाथ में नहीं आता क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्लिपी है, तो इस वजह से मैंने इसको लास्ट में रखा। नंबर 61 डिवर्स। अब ये वर्स्ट एलियन एक पोजीशन ऊपर इसलिए क्योंकि इसके ऊपर किसी भी चीज से अटैक करने पे इस पे कोई असर नहीं पड़ता। नंबर 60 स्नैरो। स्नैरो ये एलियन को ज्यादा खास नहीं, इसके बाद बस इतनी एबिलिटी है कि किसी भी छोटे सरफेस से निकल सकता है और अपनी बॉडी को वापस से रीजनरेट कर सकता है। नंबर 59 मोलस्टैच। ये एलियन अपने मूंछों से बहुत कुछ कर सकता है, कभी अपने मूंछों की वजह से आसमान में उड़ने लगता है, कभी जमीन में लड़ने लग जाता है। नंबर 58 स्पिटर। स्पिटर के पास सिर्फ उल्टियां करने की पावर है और इसका कोई एबिलिटी नहीं है। तो अब इसको थोड़े ऊपर के पोजीशन मैंने इसलिए रखा क्योंकि इसकी जो उल्टी की पावर है वो काफी ज्यादा होती है। हमने देखा है काफी बार जो विलन इसके क्लोज आ जाते तो बैंटेजन इस एलियन का यूज करके उन विलन्स को दूर फेंक देता है, मतलब ये एलियन कभी-कभी बहुत यूजफुल होता है। नंबर 57 ब्लॉक्स। ये एलियन से ब्लॉक्स बनाता है जो कि काफी ज्यादा वीक होता है और इसके ब्लॉक्स कोई विलन इजीली तोड़ लेता है। नंबर 56 ग्रे मैटर। तो अब आप लोग लग रहा होगा ये छुटकू इतने ऊपर के पोजीशन में कैसे आ पाया, क्योंकि यार इनके सिर्फ फिजिकल पावर नहीं दिख रहा, इनकी मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस में इनको रैंक कर रहा हूं। और इस छुटकू ने बैंड की बहुत मदद की है और काफी सारे विलन्स को हराया भी है, इसलिए इस एलियन को मैंने 56 पोजीशन पे रखा। नंबर 55 नैनोमेक। अब ये इससे भी छोटू एलियन इससे ऊपर इसलिए है क्योंकि ये किसी भी छोटी जगह में एकदम इजीली जा सकता है और ये अपनी हाइट को और छोटे कर सकता है जिससे यार इसके अपोनेंट इसको देख नहीं पाते और ये काफी ज्यादा पावरफुल भी है और इसने काफी सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया है अपने हाइट का यूज करके। नंबर 54 डिटो। ये एलियन सिर्फ अपने क्लोन बना सकता है और अपने क्लोन से ये लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, पर अगर कोई इसके एक क्लोन को पकड़ के अगर बहुत मारे तो इन सबको चोट लगेगी, इसलिए ये इतना नीचे की पोजीशन डिजर्व करता है। नंबर 53 ग्रुप। वैसे तो ये बहुत पावरफुल है पर अपने एक वीकनेस की वजह से ये 53 पोजीशन पे है, वो इसका एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर। अगर किसी अपोनेंट ने इसका एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर का वो अगर बटन ऑफ कर दिया तो ग्रुप कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसलिए इतने नीचे के पोजीशन पे है। नंबर 52 क्रैश ऑपर। ये एलियन सिर्फ इधर उधर कूद सकता है और ये सिर्फ नॉर्मल से कुछ अटैक करता है। नंबर 51 बुलफ्रैग। अब ये एलियन लुक्स और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत बेस्ट है, पर यार हर जगह हैंड टू हैंड कॉम्बैट काम नहीं आता, इसलिए ये जो एलियन है ये 51 की पोजीशन डिजर्व करता है क्योंकि इसके पास और कोई अटैक है ही नहीं। नंबर 50 बशॉक। ये एक इलेक्ट्रिक एलियन है जो कि अपनी पावर्स की वजह से इधर उधर ट्रैवल कर सकता है बट ये कुछ ज्यादा पावरफुल नहीं है। नंबर 49 जुरेरिका। वैसे तो ये एलियन सिर्फ पागलों जैसी हरकत करता है पर ये एलियन बहुत काम का है, फिजिकल फाइट में तो नहीं पर यार किसी भी कबाड़े से एक अच्छी चीज को बना के अपने अपोनेंट को टक्कर दे सकता है, वो भी बहुत ही कम टाइम में। नंबर 48 ईटल। इसके पास सिर्फ एनर्जी बीम की पावर है। नंबर 47 लोडस्टार। ये एलियन के पास मैग्नेटिक पावर है और ये सिर्फ मेटालिक विलन्स के सामने ही बेस्ट होता है। नंबर 46 स्ट्रिंग फ्लाई जो कि एक फ्लाइंग एलियन है और ये सिर्फ स्लाइम फेंक सकता है, जिसको लोगों ने सिर्फ मेंटेन क्लासिक में याद रखा, उसके बाद तो ये गुमनाम ही हो गया। नंबर 45 स्पाइडर मंकी। अब वैसे तो ये अपने बॉडी से वेब शूट कर सकता है पर अगर कोई गलती से भी इस पे अगर एक अटैक कर दे तो ये तुरंत वीक हो जाता है। नंबर 44 चमेलियन जो कि सिर्फ कैमोफ्लेम की पावर यूज कर सकता है, जिसमें वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को ब्लेंड कर लेता है और यार लोगों को लगता है कि ये इनविजिबल होता है, ये अपने जगह के हिसाब से अपने रंग को बदल लेता है। नंबर 43 अपग्रेड। अब वैसे तो ये एलियन बहुत ज्यादा कूल है पर ये सिर्फ मशीनरी ऑब्जेक्ट के साथ मर्ज हो सकता है, नहीं तो ये फालतू है, कुछ काम का नहीं है। अब चक इसको तुम ईटल का बड़ा भाई भी कह सकते हो, ये ईटल के जैसे चीजों को खा सकता है पर यार ईटल के जैसे कुछ चीजों को नहीं, ये सब चीज को खा सकता है। नंबर 41 किकेनॉक। ये एलियन एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बेस्ट एलियन है जिसके रिफ्लेक्सेस बहुत फास्ट है और ये अपने अपोनेंट्स को कुछ देर में ढेर कर देता है। नंबर 40 वाइल्ड वन। अब इस एलियन के पास ना सिर्फ इलास्टिसिटी की पावर है बल्कि अपने बॉडी से बहुत सारे हैंड ग्रेनेड भी फेंक सकता है। नंबर 39 वॉल बेबिल। अब ये एलियन आप लोगों को लग रहा होगा ये सिंपल सा एलियन है तो इतने ऊपर के पोजीशन पे क्यों है, तो इसके जो प्लाज्मा बॉल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा धमाका दार होते हैं, मतलब ये किसी की वट इजीली लगा सकते हैं, इसलिए ये एलियन को मैंने थोड़ा ऊपर पोजीशन पे रखा। नंबर 38 रैथ। अब ये एलियन अपने अपोनेंट से कभी हार नहीं मानता और जो इसके क्लॉज है ये किसी भी चीज को आराम से ब्रेक कर सकते हैं, इसमें इतनी पावर है कि ये लोहे को भी काट सकता है। नेक्स्ट एलियन ब्लेड सल्फर। ये एलियन हाउलिंग की पावर यूज कर सकता है और ये किसी की बैंड इजीली बजा सकता है। नंबर 36 ब्रेनस्टॉर्म। ब्रेनस्टॉर्म को मैंने इतने ऊपर के पोजीशन पे इसलिए रखा क्योंकि इसके बाद नॉलेज भी है और इसके साथ इलेक्ट्रिकल पावर्स भी है और यार इसमें मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस पे एलियंस को रैंक कर रहा हूं, इसलिए ब्रेनस्टॉर्म 36 की पोजीशन डिजर्व कर पाया। नंबर 35 टेरास्पिन। अब इसके पास विंड की पावर है और ये अपने विंड की मदद से किसी को भी बहुत दूर फेंक देता है। नंबर 32 वाइल्ड मट। अब इस एलियन की अटैकिंग पावर इतनी ज्यादा जबरदस्त है कि इसको ज्यादातर अपोनेंट रोक ही नहीं पाते हैं और ये अपने फर्स्ट अटैक से ही लोगों को काफी ज्यादा डरा देता है। नंबर 33 रिपजॉस। अब बेंटन क्लासिक का ये एलियन को शायद ही कोई पानी में हरा सकता है। रिपजॉस के दांत इतनी ज्यादा मजबूत है कि किसी भी हार्ड चीजों को एकदम इजीली तोड़ सकते हैं। नंबर 32 वाटर हैजर्ड। अब एंड्रोमेडा गैलेक्सी के इस एलियन के पास ना सिर्फ वाटर की पावर से बल्कि इसके पास एक
स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉडी है और ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत बेस्ट है। नंबर 31 हीट ब्लास्ट। अब इस एलियन ने बहुत बार प्रूव किया है अपने आप को कि ये बेस्ट है। नंबर 31st है का बेन टेंशन का ये एलियन से फास्टेस्ट एलियन के लिस्ट में ही नहीं आता बल्कि ये काफी स्ट्रॉन्ग भी है। इसने अपने पीछे काफी लोगों को कैरी करके बहुत स्पीड तरीके से भागा भी था। नंबर 29 एस्ट्रोडेक्टल। बेन का ये एलियन कितना पावरफुल है ये बात आप लोगों को ही पता है। इसके पास फ्लाइंग के साथ एक्स्ट्रा कुछ एनर्जीज की भी एबिलिटीज है। नंबर 28 गटरॉट। बेन का ये एक ऐसा एलियन है जो कि कोई भी गैस बना सकता है। हाँ, इसके बॉडी के अंदर एक ऐसा चीज है जिससे वो अपने एनर्जी से कुछ भी गैस बना सकता है जो कि इसके अपोनेंट के लिए बहुत ही बुरी चीज है। हाँ, तो जो 27 पे एलियन है वो है पेस्किडस। ये जो बेन की एलियन है ये वैसे तो दिखती बहुत ही क्यूट है पर इसकी जो एबिलिटी है वो बहुत ही खतरनाक है कि ये किसी को भी सुला सकती है। ये यार अपने अपोनेंट को किसी भी डरावना ड्रीम में लेके जा सकती है या कुछ अलग टाइप के ड्रीम में लेके जा सकती है अपने स्लीपिंग डस्ट की मदद से। नेक्स्ट जो हमारे 26 में एलियन है वो है फ्रैंकेनस्टाइन का। बेन का ये जो एलियन है ये एक इलेक्ट्रिक एलियन है। अब यार इसकी शक्ल देखे तुम्हें लगे ये बहुत ही बुद्धू सा एलियन है पर सच में यार बहुत जीनियस है। ये यार बेन के इंटेलिजेंट एलियन के लिस्ट में आता है। नंबर 25 आर्म ड्रिलो। बेन के इस एलियन के पास एक ऐसी एबिलिटी है कि अपने हैंड का यूज करके कहीं भी ड्रिल कर सकता है और ये बहुत ही पावरफुल है और इसकी पूरी बॉडी मेटल से बनी हुई है। नंबर 24 आर्टिकवाना। और ये एलियन इतने ऊपर की पोजीशन में इसलिए है क्योंकि जो इसकी आईज भी अटैक है वो बहुत पावरफुल है। वो इतनी थीक लेयर की होती है कि इससे कोई विलन जल्दी रिलीज नहीं हो पाता। विलगैक्स की भी बैंड बच गई थी आर्टिकवाना के आईज बीम से निकलने में। नंबर 23 सॉक्सकॉच। ये बेन का एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रिक एलियन है। अगर तुम इसकी इलेक्ट्रिक पावर्स को हटा दोगे तभी भी इसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि इजीली किसी को भी डिफीट कर सकता है। मतलब कि बेन इसको फिजिकल फाइट में बहुत अच्छे से यूज कर सकता है। नंबर 22 फोर आर्म्स। अभी चार हाथ वाले एलियन ने बेंटन क्लासिक में बहुत तबाही मचाई थी और इसने बेंटन क्लासिक में बहुत ही बड़े बड़े विलन से फाइट किया था और बहुत बड़े बड़े काम भी किया था इसलिए तो ये इस लिस्ट में। नंबर 21 आएगा है। बेन का ये एक ऐसा लौता एलियन जिसके पास सारी एबिलिटीज है। मतलब कि यार ये बहुत सारा अटैक कर सकता है। फायर, आइस, इलेक्ट्रिक और ऑप्टिम लेजर बीम जैसे पावरफुल अटैक भी ये कर सकता है। नंबर 20 क्रोमा स्टोन। बेन का ये जो क्रिस्टल सेपियन एलियन है वैसे तो ये बहुत ही अंडररेटेड एलियन है और यार ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी अभी तक फुल पावर रिवील नहीं हुई है और अगर मैं एपिसोड के बेसिस में इसको रैंक करूं तो ये 20 के पोजीशन पे ही डिजर्व करता है क्योंकि यार ये बेंटन के बहुत सारे नॉर्मल कैरेक्टर से पिट गया है। इसलिए जब इसकी फुल पावर रिवील होगी तब क्रोमा स्टोन ऊपर के पोजीशन पे आएगा पर अभी के लिए तो इसकी ये पोजीशन सही है। नंबर 19 ह्यूमंगसोर। बेंटन एलियन 4 में सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा फैन बेस कमाने वाला अगर मैं एलियन की बात करूं तो वो ह्यूमंगसोर ही था क्योंकि जो इसकी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ थी वो इजीली किसी भी विलन को डिफीट कर दे रही थी और यार ओमनीवर्स तक तो इसके बहुत फैन बन गए थे। नंबर 18 कैनन बोल्ट। बेन का ये जो एलियन है ये एक बेस्ट एलियन है क्योंकि इसने सिर्फ अपोनेंट्स को ही नहीं हराया बल्कि इसने अपने चारों सीरीज में जगह भी बनाई थी। नंबर 17 एक्स लाइट। बेन का ये जो एलियन है सिर्फ ये तेज भाग ही नहीं सकता बल्कि ये सारे काम को भी काफी स्पीडली तरीके से कर सकता है और ये एलियन हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत बेस्ट है। नंबर 16 एम्फीबियन, जिसके पास एक एबिलिटी नहीं इसके पास ही मल्टीपल एबिलिटीज है। जिसके पास इलेक्ट्रिक अटैक है और ये किसी के माइंड को भी रीड कर सकता है और ये इंटेंजिबल भी हो सकता है। इतनी सारी पावर्स एम्फीबियन के अंदर है और यार इतनी सारी पावर्स होने की वजह से ये इतने ऊपर के पोजीशन पे आ पाया। नंबर 15 स्पॉर्म फायर। बेंटन एलियन फोर्स में जब इस एलियन को फर्स्ट टाइम दिखाया गया था तो लोगों ने इसको वाइल्ड वाइन और हीट ब्लास्ट की कॉपी बोला था पर ये इन दोनों से बेस्ट है क्योंकि ये फायर भी रिलीज कर सकता है, ये स्लीपिंग पाउडर भी यूज कर सकता है और ये अपने काफी सारे टेंटिकल्स भी जमीन से निकाल सकता है। वो जो वाइल्ड वाइन पौधे निकालता है, हाँ उस पौधे की बात कर रहा हूँ। नंबर 14 जेट रैपेंट का ये जो एलियन ये बहुत ही स्पीडली तरीके से कहीं भी उड़ सकता है। हाँ, तो अब ऐसा मत समझना कि इसके पास सिर्फ फ्लाइंग एबिलिटीज है। बेन का ये जो एलियन है ये न्यूरोस ऑफ ब्लास्ट भी कर सकता है जो कि बहुत पावरफुल अटैक है। नंबर 13 डायमंड हेड। अब ये एलियन कितना कूल है ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ये इतना कूल है कि ये मेरा फेवरेट एलियन है बेंटन शो के अंदर। डायमंड हेड एक ऐसा एलियन है जिसने बहुत ही बड़े बड़े विलन्स को भी हराया है जहां पर बेन के बहुत सारे एलियंस कुछ नहीं कर पा रहे थे। नंबर 12 एको एको। अब इस एलियन को लोग ज्यादा इज्जत नहीं देते कि यार ये तो छोटा सा एलियन है ये क्या ही तोड़ लेगा बट यार लिटरली ये जो एलियन है ये बहुत ज्यादा ओवर पावर हो जाता है। अगर ये अपने क्लोन बना के किसी पे अटैक करता है तो सामने वाले की पूरी बैंड बज जाती है और वो कुछ भी नहीं कर पाता चाहे वो कितना पावरफुल एलियन हो। नंबर 11 फीडबैक। अब ये जो एलियन है ये इतने ऊपर के पोजीशन पे इसलिए क्योंकि ये अनलिमिटेड एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर सकता है और इस चीज को हम लोगों ने बेंटन के एपिसोड के अंदर बहुत अच्छे से देखा है। नंबर 10 गोस्ट फ्रीक। तो अब आप लोग लग रहा होगा कि मैंने इस भूत को इतने ऊपर के पोजीशन पे क्यों रखा है। बताता हूँ यार किस लिए रखा है। वो इसीलिए क्योंकि ये किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि इसकी स्पीसीज की एक मेंबर ने विलगैक से पूरे प्लेनेट पे अपना कब्जा कर लिया था जहाँ पर विलगैक जैसे पावरफुल विलन ने भी इसके सामने घुटने टेक दिया था। और जो नंबर 9th पे एलियन है वो है वंपायर क्योंकि यार गोस्ट फ्रीक एक टाइम पे एक लोग पे कंट्रोल कर सकता है पर ये मल्टीपल लोगों पे एक साथ कंट्रोल कर सकता है इसलिए मैंने इस एलियन को नंबर 9th के पोजीशन पे रखा। नंबर 8
बेचल। अब ये जो बैंड का एलियन है ये बहुत ही पावरफुल एलियन है। लिटरली इसकी अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो बहुत ही ज्यादा ये ड्यूरेबल है, और इसके साथ इसके पास एक इंटेंजिबिलिटी की पावर है जिससे इसके ऊपर कोई भी इसका अपोनेंट अटैक नहीं कर पाता, और यार इसकी स्पेशलिटी की ये आइस अटैक भी कर सकता है। नंबर 7 टॉय पिक। लिटरली इस एलियन के पास ऐसी पावर है कि अपना फेस दिखा के किसी को भी डरा सकता है। अगर यार कोई भी एलियन अगर इसका फेस देख ले तो वो इतना डर जाएगा कि इस पे अटैक ही नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर कोई इसका फेस ना देखे तब अगर इस पे अटैक करे तो वो इजीली इसको डिफीट कर देगा। नंबर 6 वेबिक। बैंड का अब तक का सबसे बड़ा एलियन जिस एलियन के पास कॉस्मिक पावर्स है, और ये कॉस्मिक पावर कितनी खतरनाक है ये आप लोग ने भी देखा होगा। नंबर 5 ग्रेविटेक। बैंड के इस एलियन के पास ग्रेविटी की पावर्स है, और लोगों को लगता है कि इसके पास सिर्फ ग्रेविटी की पावर्स है, तो नहीं, ये एलियन ब्लैक होल भी क्रिएट कर सकता है। मतलब समझ रहे हो यार ये एलियन कितना पावरफुल है, इसलिए इससे सोच समझ के पंगे लेना। नंबर 4 एटॉमिक्स। बैंड का खुद का न्यूक्लियर बॉम्ब वाला एलियन जिसके पास न्यूक्लियर अटैक होते हैं, और इसके अटैक इतने पावरफुल होते हैं कि इजिली से कोई भी डिफीट हो जाता है। नंबर 3 एनआरजी। तो अब आप लोग को लग रहा होगा कि मैंने एनआरजी को अब इतने ऊपर के पोजीशन में क्यों रखा, वेट बताता हूँ। एनआरजी एक बहुत ही पावरफुल एलियन है, और इसकी जो रेडिएशन है वो आराम से किसी की वाट लगा सकती है। और यार एटॉमिक्स और एनआरजी की जो फाइट होगा तो एनआरजी आराम से इस फाइट को विन कर लेगा, क्योंकि एटॉमिक जब भी उस पर अटैक करेगा एनआरजी को उससे कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि जो इसका कंटेनमेंट सूट है वो आराम से एटॉमिक्स के सारे अटैक से सर्वाइव कर लेगा। और यार आप लोगों को बताओ कि एटॉमिक्स अपने कुछ अटैक करने के बाद वो इतना वीक हो जाता है कि कुछ कर ही नहीं पाता। और यार बिना कंटेनमेंट सूट के साथ भी देखा जाए तो एनआरजी के अंदर इतनी पावर है कि वो एटॉमिक से बहुत अच्छी टक्कर दे सकता है। नंबर 2 जो बैंड का पावरफुल एलियन है वो है क्लॉकवर्क। ये जो बैंड का एलियन है इसके पास ऐसी पावर है कि ये टाइम को ही रोक सकता है। क्लॉकवर्क अपने नीचे के जितने भी एलियन है उनको वो उस टाइम में लेके जा सकता है जहां पर वो कुछ भी नहीं थे यार। और यार इसके नीचे वाले जितने भी एलियन है मुझे नहीं लगता कि क्लॉकवर्क के सामने कोई भी जीत पाएगा, क्योंकि क्लॉकवर्क के पास ऐसी पावर्स जो है, क्योंकि यार टाइम पावर एक बहुत डेंजरस चीज है, और क्लॉकवर्क उसी स्पीसीज से है जो कि यार टाइम पे ही खेलते हैं, इसलिए मेरे को नहीं लगता कि इसके नीचे वाले कोई भी एलियन क्लॉकवर्क को हराने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो जो नंबर 1 पे एलियन है मुझे पता है कि आप लोग गैस कर लिए होंगे, पर मैं फिर भी आप लोग से पूछना चाहूंगा कि मुझे कमेंट से बताओ कि नंबर 1 पे कौन सा एलियन है। शायद यार कुछ लोग गैस नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा एलियन है, पर जो लोग गैस कर लिए मुझे कमेंट से बताओ कि आखिर वो कौन सा एलियन है जो नंबर 1 की पोजीशन को डिजर्व करता है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। हाँ, तो जो नंबर 1 पे एलियन है वो है एलियन एक्स। ये जो बैंड का एलियन है वो लिटरली कुछ भी कर सकता है, चाहे वो टाइम की पावर्स हो या किसी भी विलन को हराना हो या अपने क्लोन बनाना हो या अपने साइज को इंक्रीज करना हो, कुछ भी एलियन एक्स आराम से कर सकता है। और इस लिस्ट के नीचे कोई भी ऐसा एलियन नहीं है जो कि एलियन एक्स को हरा सकता है। तो फिर यहाँ पर खत्म होती है हमारी सारे बैंड 10 के एलियन की रैंकिंग वीडियो के लिस्ट। तो मुझे कमेंट से बताना कि आप लोग को मेरी ये रैंकिंग लिस्ट कैसे लगी। हाँ, इस वीडियो को रैंक करने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया, और ये टाइम से ज्यादा है कि मैंने इस वीडियो को काफी लेट अपलोड किया, तो वो इसलिए क्योंकि मेरा कॉलेज का वर्क इस बार बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से मेरे को टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। पर हाँ, कॉलेज के वर्क के साथ मैं इस वीडियो को भी कर रहा था, और इस वीडियो को मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द अपलोड कर दूं। और अगर आप लोग अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि इतने सारे एजेंट्स को मैंने पहले एक लिस्ट में रखा, फिर इनको धीरे धीरे करके मैंने रैंक किया अपने अकॉर्डिंग। और हाँ, रैंक से याद आया, एक और बार चीज को रिपीट कर दूं कि इस लिस्ट जो थी उसको मैंने अपने अकॉर्डिंग अरेंज किया है, ये कोई भी ऑफिशियल लिस्ट नहीं है। और हाँ, वीडियो से जाने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, वो इसलिए क्योंकि इस चैनल पे और ही बहुत सारी अमेजिंग बैंटन के वीडियोस अभी आएगी। तो यार अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी, इसलिए जल्दी जाओ अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। और यार स्क्रीन में ये वीडियो शो हो रही होगी जिसमें मैंने बैंड की सारी ऑमरेटर्स को एक्सप्लेन किया है, तो इस वीडियो में क्लिक करके आप जाके इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आप लोग कुछ नया देखना है तो आप लोग इस राइट वाले वीडियो पर देखना, इसमें यार आप लोगों को कुछ नया बैंटन के ऊपर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर क्लिक करके आप लोग इस वीडियो को भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Bye-bye guys.